हेलो एवरीवन, वेलकम टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये जगह देख के आप से जो लोग लखनऊ को पहचान गए होंगे, जी हाँ, विधानसभा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। और मैं इन रास्तों पे करीब 2 से 2.5 साल बाद आई हूँ और काफ़ी कुछ बदल गया है और लाइटिंग भी हो रखी है, बिल्डिंग्स नई बन गई हैं, पार्क का थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया है, लुकआउट टैंपस वगैरह हर चीज़ में देख रही हूँ ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, बट आई एम लाइकिंग इट। और इस समय मैं जा रही हूँ हज़रतगंज, क्योंकि इसके आगे हज़रतगंज चौराहा पड़ेगा, तो मेरे हस्बैंड को नाजा मार्केट में कुछ काम है तो वो जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा गंज का भी लुत्फ ले लेते हैं, थोड़ी चाट वाट बास्केट चाट खा लेंगे, रॉयल कैफे की फेमस है वहाँ पर। और तो बस ये भी यहाँ पे जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे अक्सर जाम लग जाता है, हम रोड स्टॉप हो जाता है, तो वहीं पे थे हम। और ये रहा छंगामल की शॉप, चिकन की शॉप है, चिकन के कपड़ों की बहुत ही अच्छी शॉप है। और ये हमारा गंज शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। यूनिवर्सल बुक डिपो, हनुमान जी का मंदिर, आगे अंडरग्राउंड पार्किंग आएगी और इस तरह सब दुकानें जो भी हैं, यू नो, मतलब काफ़ी समय बाद आओ ना तो मतलब चेंज हो जाता है। और मैं तो लखनऊ ही काफ़ी समय बाद मतलब बाहर निकली हूँ, पिछली बार आई थी लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। और ये देखिए सब, कितनी बार हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की है, ऐसे घूमे हैं मैं और मेरी दीदी, मतलब अधिकतर मैं दीदी के संग ही आई हूँ यहाँ पर। और ये रहा रॉयल कैफ़े जहाँ हमारी मंजिल है। ये मेट्रो के सब जो बन गए ना स्टेशन जगह जगह, वो मैंने पहली बार देखे हैं, मैं जब से बने तब से मैं पहली बार हज़रतगंज आई हूँ। और तो मेरा जो मतलब हमारा जो काम है पहले वो हम कर लेंगे नाजा मार्केट में, उसके बाद हम कुछ खाएंगे पियेंगे। तो हम नाजा मार्केट में आ गए हैं, मैं यहाँ की ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाई, थोड़ा कुछ ही शूट कर पाई थी, तो सोचा चलो। और लखनऊ में रहने वालों को पता होगा कि नाजा मार्केट लखनऊ का सबसे बड़ा कंप्यूटर एक्सेसरीज का मार्केट है, तो वहाँ काम करने के बाद फिर हम आगे चल चुके हैं। और बास्केट चाट हमने खा ली थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली मैंने की ही नहीं, तो सोचा थोड़ा और आगे तक चल के देखते हैं, बेगम, हजरत महल पार्क तक, प्रेस क्लब तक। तो अधिकतर दुकानें, मैं अधिकतर तो नहीं कह सकती, बंद हो गई थी क्योंकि आई थिंक 8 बजे का टाइम भी हो गया था, तो काफ़ी दुकानें बंद भी थी। और ये रहा सोनी सेंटर, मैं यहाँ भी काफ़ी बार जा चुकी हूँ, हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली हैं, अभी तो वो नहीं है मेरे पास। और बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही होता है ना जब आप अपने शहर आते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको मतलब मिल जाती हैं। और हमने टर्न ले लिया है और ये सारी ज्वेलर्स की शॉप्स, मतलब सारी शॉप्स है यार, आप देख के पहचान सकते हो। और ये मैंने देखा ABC चश्मे वाले की शॉप भी यहाँ खुल गई है, तो अमीनाबाद में हुआ करती थी आनंद सिनेमा हॉल, आनंद चौराहा जो वहाँ पर किसबाग चौराहे पे, आनंद सिनेमा हॉल के पास, तो ये मेरे एक नई चीज़ थी, एक और नई चीज़ थी। और काफ़ी चीज़ें तो पुरानी हैं, और अभी लव लेन भी आएगी और कैथेड्रल स्कूल था उधर। और ना ये मेट्रो के जो स्टेशन बने हुए हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं लाइटिंग, और ये रोड जो सहारागंज को जाती है आई थिंक, बस तो ऐसे ही मतलब चलो चक्कर मार लेते हैं, टाइम भी हो रहा था आई थिंक 8:30 या 8:20 हो गया था, तो बस ऐसे ही चलते आ रहे थे, इन्जॉय करते आते रास्ते का व्यू हम लोग। और अगर देखें तो इतनी दूर में ही 3 मतलब मेट्रो के स्टेशन आए हैं, 2 या 3 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और पता है इन रास्तों पे मैं अपनी दीदी के साथ पता नहीं कितनी बार हम लोग चले हैं पैदल ही अक्सर, क्योंकि कभी कहीं काम होता था कभी कहीं, और साहू में फेयर में कितनी फिल्में ना जाने हमने देखी है, नॉवेल्टी में भी, सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था। और बस मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और वापस घर की तरफ निकल चुके हैं हम, और थोड़ा इमोशनल हो गई मैं यहाँ पर, क्योंकि वो दीदी अब मेरे साथ नहीं है जिनके संग मैं अनगिनत बार इन रास्तों पर आई हूँ, हमने शॉपिंग की है, बहुत कुछ खाया पिया है। और ये बजरंग बली जी का मंदिर, क्या बजरंग बली, अब बजरंग बली के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है, यूनिवर्सल बुक सेलर्स में बुक्स ली हैं और मैनी मोर थिंग्स, सो बिट इमोशनल। एंड सामने इलाहाबाद बैंक, यस राइट, और जो सामने रास्ता जा रहा है वो जाएगा गोमती नगर की तरफ और ज़ू की तरफ, और हमें टर्न लेना है, हम टर्न लेंगे क्योंकि हमें जाना है बलिंटन, फिर सदर होके हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे जो भी हमारा डेस्टिनेशन है। और ये सब पार्क देख रहे हैं ना आप, मैं दीर के संग यहाँ सब आ चुकी हूँ। और कि बाहर के जो भी काम होते थे ना पहले, तो मेरी दीदी करने जाती थी, मेरा भाई छोटा, तब मुझसे छोटा है वो, तब और छोटा था,
तो बैंक जाना हो, पोस्ट ऑफिस जाना हो, LIC जाना हो, ICICI बैंक जाना हो, मतलब जो भी है, यूनिट ट्रस्ट का ऑफिस जाना हो या जो भी कुछ काम होते थे सब दीदी के संग ही, और अक्सर उनके संग मैं ही आती थी, तो वही सब मेमोरी में रिफ्रेश हो रही है। इधर GPO था और ये लालबाग का रास्ता गया है और ये शायद भाजपा का ऑफिस बन गया है नया, मैंने पहली बार देखा है इस तरह से बने हुए। पहले जब मैं जाती थी रास्ते से, रिक्शा होता ना यहाँ पे, हाथ गाड़ी रिक्शा जो मतलब वो चलाते हैं मैं, तो वो इसके अंदर से लेके जाते थे, मतलब पुराना जो बना हुआ था। अभी मैं पहली बार देख रही हूँ कि ये इतना बड़ा और आलीशान बन गया है, विधानसभा के सामने ही है, तो काफ़ी अच्छा लगा देख कर। और बस पुरानी सारी मेमोरी ताज़ा हो रही हैं और अजीब अजीब सी बातें, मतलब फीलिंग्स हो रही हैं, बस दिल खुश हो गया है। एक लाइन में बोलूँ तो बस ये दिल खुश हो गया, इमोशनल हो गए बट दिल खुश हो गया, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और पता है कभी कभी कॉलेज से जब मैं आती थी, मेरा रूट यही रहता था, तो कभी टैक्सी नहीं मिली तो थोड़ा थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता था हमको इन्हीं सब रास्तों पर। तो ये सब यहाँ पे देखिए मेट्रो का काम साइड में, लेफ्ट साइड में अभी चल ही रहा है, ऑलमोस्ट कई जगह तो शुरू हो चुका है और बाकी कुछ जगह चल रहा है। तो अब यहाँ से हम बलिंटन से टर्न ले लेंगे, बलिंटन चौराहा से, उसके बाद सदर होते हुए हम अपनी मंजिल को जाएंगे, जो मतलब जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं आजकल रह रही हूँ। तो पहले हम सदर में रहते थे, तो मुझे इस बात की भी एक्साइटमेंट है कि सदर कितना चेंज हो गया है। वैसे मैं आई उसी रूट से थी बट मैंने इतना मतलब कुछ शूट नहीं किया, अब जा भी शूट करते समय ताकि सब मैं यादों को कैप्चर कर सकूँ, जब भी मन हो मैं अपने रास्ते देख सकूँ, जिन रास्तों पे मैं बचपन से स्कूल कॉलेज यू नो जब मैं प्रैक्टिस करने भी जाती थी हाई कोर्ट, इन्हीं रास्तों पर जाती थी। और ये उदयगंज में सेवा चिकन के जो कुर्ते होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, बहुत फेमस है लखनऊ की चिकन कारी वर्क, और ये उदयगंज इलाका पड़ता है। तो हाँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ये ब्लॉग अगर मैं बोलूँ तो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब होने वाला है ये गुप्ता बेकरी, ये सब मैंने बहुत सालों बाद देखा ये रास्ता, ये रास्ते और सारी चीज़ें मुझे फ्रेशों के याद आ रही हैं। और अभी यहाँ पर देखिए ये उदयगंज में हनुमान जी का मंदिर है, वो आएगा, ये शनिदेव का मंदिर है ब्लैक कलर में, और ये हनुमान बजरंग बली का मंदिर है, बजरंग बली काफ़ी फेमस है मंदिर। और इसके राइट साइड में सिंचाई विभाग इरीगेशन ऑफिस है, और ये एक सदर जाने के लिए पुल है। और यहीं पर ना लेफ्ट साइड में एक दीप पैलेस है, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हुआ करती थी, आई यूज़ टू गो देयर। एंड उसके थोड़ा सा आगे डॉक्टर संजय कक्कड़ का क्लिनिक है, ये है शायद, यस, तो नव जीवन या नव ज्योति करके कुछ है, तो काफ़ी फेमस है, आँखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम भी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत सालों से मैं ये देख रही हूँ। तो ये हम अब हाई पुल पे चढ़ गए हैं, और ये पुल जैसे ही ख़त्म होगा तो सदर शुरू हो जाएगा, सदर बाज़ार जहाँ पे पहले मेरा घर था। तो ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं और सदर में एंट्री कर चुके हैं हम, तो मैं अपने हस्बैंड को बता रही, क्योंकि वो भी यहाँ बहुत कम बारी आए हैं, जब भी आए थे तो बस एक दो दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए ऐसे ही, जब से शादी हुई थी तो उनको बता रही यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ऐसा था, मैं ऐसे घूमती थी, आगे मेरा स्कूल भी आएगा, मैं वो सब मतलब उनको दिखा रही हूँ। और सदर में ना एक दो लस्सी वाले बहुत फेमस है, तो शायद हम वहीं पर जाएँगे, देखेंगे करेंगे। बहुत सारे रेस्टोरेंट बन चुके हैं अभी सदर में, पहले नहीं थे, अभी काफ़ी सारे बन गए हैं। तो ये देखिए ये सब, पहले ना यहाँ पे नॉर्मल मिठाई की शॉप हुआ करती थी, और ये कितनी बड़ी यहाँ पे कितना बड़ा बुटीक ओपन हो गया है, आई वॉज शॉक। फिर मैंने फिर दीदी से पूछा तो बोली हाँ ये ओपन हुआ है कुछ दिन पहले। और लखनऊ की क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक हम बोले छप्पन भोग, ये सब लोग जानते होंगे आई गेस, तो ये रहा हमारे राइट साइड में छप्पन भोग, और अभी भी यहाँ भीड़ है, ये ओपन है। इसकी इनकी मिठाइयाँ ना देश विदेश में हर जगह जाती हैं, ये हर जगह पैक मतलब पैक करके बेचते हैं, इनका काफ़ी डिमांड रहती है, इनके काफ़ी कदरदान हैं देश विदेश में, और हम भी हैं। और यहाँ के बास्केट चाट और दही बड़े मेरे फेवरेट हुआ करते थे, मुझे पता नहीं अभी ये बनाते हैं, बनते हैं क्या नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें सदर में, पानी के बताशे, आलू की टिक्की मतलब चाट, और ये साइड में गैथरी मिष्ठान भंडार देख रहे हैं, इसका भी रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका है, यहाँ की इमरतियाँ बहुत फेमस होती हैं और समोसे। और हम टर्न हो गए हैं राइट साइड में, क्योंकि यहीं पे हमारी लस्सी की दुकान है, और थोड़ा चाट पाट भी खा लेते, सदर आए हैं तो थोड़ा सा तो बनता है।
तो बस इंजॉय कीजिए आप इस वीडियो को, जो लोग आसपास रहते होंगे ना उनको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा, उनको पसंद आएगा ये, और क्या बोलूँ, इंजॉय कीजिए इस वीडियो को आप भी। और ये रहा कैंट का, मतलब हम मार्केट से वापस आ गए हैं, कैंट का हॉस्पिटल, कैंटोमेंट हॉस्पिटल बोलते थे, अब हम वापस से पुल पे चढ़कर, पुल नहीं अभी पुल पे नहीं चढ़ेंगे हम, सॉरी साइड से हम जाएंगे, तो हमें जहाँ जाना है वहाँ से हम जाएंगे, कैंट एरिया से होकर जाएंगे हम तेलीबाग होकर, तो उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। ये कैंट एरिया है, बहुत अच्छा रहे, मतलब बहुत अच्छा रास्ता होता है, बहुत आँखों को सुकून देता है, पूरा मिलिट्री वालों की मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब बने रहते हैं। ये देखिए जिस पुल से अभी हम आए थे ना उसी के नीचे से हम निकल के जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो हमारा सदर मोड़ पड़ता है वो आ जाएगा, वहाँ से हम टर्न लेंगे तेलीबाग जाने के लिए, तो वही रास्ता अब है, आप इसको एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर में। गाइस देखा आपने, और ये जो अभी जस्ट रास्ता पास हुआ है या मतलब अभी हम जा रहे हैं, ये सब मिलिट्री एरिया पड़ता है, और जब हम सदर से तेलीबाग जाते हैं तो, या फिर सदर से जब हम विजयनगर तक जाते हैं तो भी रास्ते में पड़ता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और शाम के वक्त तो कुछ अलग ही सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये रास्ता ना, बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और इतनी ऑर्गेनाइज होती है ना जो भी मिलिट्री वालों को, जो भी चीज़ें होती हैं ऑफिस वगैरह, रोड्स, पार्क वगैरह, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इस समय मतलब धूप रहती तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट इससे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये पहले हम लोग शायद पापा के घर जाएंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे, तो हमारा घर जो है वो वृंदावन कॉलोनी के आसपास है, तो हम एक और रास्ते से जा सकते थे बट मुझे ये रास्ता ज़्यादा पसंद है इसलिए हम इस रास्ते से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया है, और पहले सोचा था कि अच्छे से शूट करूँगी बट जब लौटे तो अंधेरा हो चुका था, तो इतना ही शूट कर पाई, मतलब इतना ही शूट कर पाई मैं। तो ये देखिए बस स्टॉप भी बने हुए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से मुझे बस स्टॉप मतलब ये लग रहा है यहाँ के, ये देखिए। और जैसे कि जब मैं हैदराबाद से लखनऊ आई थी ना, तो रास्ते में कोई तो शहर था, वहाँ के बस स्टॉप मुझे बहुत अलग से लगे थे, या फिर जब मैं अपने भदोही से लखनऊ आ रही थी तब, और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे देखकर। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बस के लिए वहाँ वेट कर सकते हो, बाद में भी आप वहाँ जाके रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो, मतलब अगर आप जा रहे हो जर्नी पर या जैसा भी है तो है। और पहले मैं, और हाँ ये भी SBI का ATM था, यहाँ भी हम लोग कई बार आ चुके हैं, और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था इस ATM के संग, एक दो बार मैं आई तो पैसे ही नहीं थे इसमें, बट ये आज से 4 साल पहले की बात है, तो नो ऑफेंस फॉर SBI ATM, जस्ट ऐसे ही शेयर कर दिया। तो आप में से जो लोग भी मिलिट्री एरिया में रहते हैं या आपका आना जाना उधर से, आप लोग को पता होगा कि वो रास्ता कितना सुकून देता है आपको, वो कितना अच्छा लगता है, और बस अच्छा लगता है। और ये देखिए शनिदेव का मंदिर था, शायद तेलीबाग का आने वाला है, मेरे ख्याल से तेलीबाग शुरू होने वाला है,
मैं इतना ज़्यादा नहीं आती आती हूँ, इसलिए मुझे इतना पता नहीं एग्जैक्ट, बट लग रहा है हाँ राइट। तो अभी ये देखिए साइड में आपने लेफ्ट साइड में सब फल लगाते हैं, जो भी सीज़न होता है फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो लगाते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ से लेते हैं, काफ़ी भीड़ लगी रहती है, और हमने अभी तक नहीं खरीदे यहाँ से कभी। और ये तेलीबाग का बहुत ही फेमस वरदानी हनुमान जी का मंदिर था राइट साइड में, जय बजरंगबली, और ये तेलीबाग की मार्केट शुरू हो गई है। और तेलीबाग से हम पहले पापा के घर जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, फिर अपने घर जाएंगे। तो पापा के घर जाऊंगी तो पता नहीं मैं शूट करूंगी या नहीं करूंगी, शायद नहीं, क्योंकि फिर बाद में आपसे कभी पापा के घर जाऊंगी तो फिर आपको मिलाऊंगी सबसे मैं। और काफ़ी देर भी हो चुकी थी मेरे ख्याल से 9:10 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, तो फिर ये है कि अपने घर भी जाना रात हो गई है फिर, तो इसीलिए। और ये मेरे पापा का स्कूल था लेफ्ट साइड में ही, राम भरोसे तेलीबाग में, जो लोग आसपास के होंगे वो जानते होंगे, मेरे पापा यहाँ पढ़ने आते थे। और देखिए उसी साइड में ही राइट साइड में काफ़ी सारे कपड़ों की दुकानें लगी हैं, कई लोग सोचेंगे अरे रोड साइड कपड़े हैं, ये एक और मंदिर। बट गाइस एक बार मैं यहाँ पे गई थी तो मेरे साइज़ की तो कुर्ती नहीं मिली, बट बहुत ही अच्छी कुर्ती का कलेक्शन था, मतलब इतनी क्या बोलूँ मैं, फैशनेबल थी ना, मतलब बहुत ही ज़रा डिज़ाइनर मतलब डिज़ाइन उनकी बहुत अच्छी थी, तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने किसी के लिए ली थी। और मैं फिर से सोच रही हूँ कि अब मैं लखनऊ जब आई गई हूँ तो यहाँ भी एक्सप्लोर करूँ, इसको भी देखूँ क्या है। तो वहाँ से हमने लेफ्ट साइड कट ले लिया था रास्ता पापा के घर जाने के लिए, तो थोड़ा सा इस रास्ते का भी शूट किया। यहाँ पर एलन हाउस पड़ता है रास्ते में, एक दो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी छोटे बन गए हैं जो मैंने अभी देखे, और बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स काफ़ी सारे हैं अच्छे अच्छे तो थोड़ा सा शूट कर लिया। यहाँ पे देखिए रास्ते में हमें कहीं जाम नहीं मिला, आपने देखा होगा गंज भी हम होकर आ गए हजरतगंज, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जाम तो नहीं था, बट थोड़ा सा देखिए मतलब गाड़ियाँ थोड़ा ऐसा मतलब ज़्यादा हैं। और यहाँ पे भी साइड में लेफ्ट साइड में फ्रूट्स के सारे स्टॉल ठेल लगे हुए हैं, शॉप्स लगी हुई हैं, मतलब काफ़ी सारे देखिए आप। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग रुक के शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ चाट के भी ठेल लगे हैं, कुछ नॉनवेज के भी हैं। और सामने देखिए कितना बढ़िया अपार्टमेंट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर मुझे। और आइसक्रीम खाने का मन था, सोचा खाएं, बट फिर लेट हो रहा था से नहीं खा। और ये देखिए तो ये है पापा के घर से हम अपने घर आने के लिए अभी आगे मुड़ेंगे, तो वहाँ से अभी देखिए टेडीबेयर, ऐसे टेडीबेयर की बहुत सारी शॉप वहाँ पे दिखेंगी, तो मेरा तो बहुत मन ललचा गया देखकर। बताइएगा कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो टेडीबेयर को देख के ऐसे ना मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाते, लगता कि अरे यार हमारे पास तो होने चाहिए दो चार, और वो बड़ा वाला होता ना वो तो मतलब बहुत ज़्यादा, तो वही है। तो यहाँ पे एक दुकान है, बट अभी जब अपने घर जाएंगे तो वहाँ पे दो तीन दुकानें आपको दिखेंगी ऐसी लगी हुई। और ये सब जो अपार्टमेंट दिख रहे हैं ना साइड में, ये सब अभी नए बने हैं, मैंने पहले मतलब बने तो थे बट लोग रहने नहीं आए थे, इन्हीं में से शायद मैं किसी में प्रिया दी रहती हो, आई डोंट नो, शायद, या उस तरफ रहती हो मतलब वृंदावन कॉलोनी की उस तरफ, पता नहीं मुझे, मगर इधर ही किधर है इतना पता है उनका। तो बस, और मैं अभी रेगुलर नहीं हो पा रही, जैसे मैंने आप लोग को पहले प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलरली अपने वीडियो डालूंगी और आप लोग को एंटरटेन करूंगी, अच्छे अच्छे वीडियो दूंगी, बट गाइस नहीं हो पा रहा। ये देखिए लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ना फ्लावर पॉट की भी दुकानें थी, अभी आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पर। तो ये हम ये एक ट्रिप है पापा के घर से जब हम आ गए थे फिर अपने घर जा रहे तक की है, तो यहाँ मैंने ऐड कर दी। ये देखिए और कितने सारे हैं ना, ज़्यादा बाइक थोड़े तेज़ चल रही थी, मैं ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट फिर भी। और ये देखिए सारे बाथ टब वगैरह भी मिल रहा था बच्चों के लिए, ऑफ़ कोर्स छोटे बड़े, काफ़ी बड़े भी थे बाथ टब। और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, एक ज़माना था जब यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता था, बट अब तो लोग बेचैन हैं इस जगह पे आने के लिए, तो यही सब है। तो गाइस अब मैं अपने घर को जा रही हूँ, शहीद पथ स्टार्ट हो गया है, तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, और हेल्दी खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो इम्यूनिटी को बूस्ट करें, हम भी वही करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। तो और एक बात कहनी थी आप लोग से, प्लीज़ मेरे वीडियो में मतलब वॉच तो लोग कर रहे हैं बट सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उनका रेशियो कम कम होता जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रचना पैराडाइज, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगी उसको, ठीक है। और अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, हाँ रेगुलर नहीं हूँ बट मैं और मेहनत करूँगी, तो हर इंसान तरक्की करना चाहता है, मैं भी चाहती हूँ तरक्की करना, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।